हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में टी बीम्स के बारे में पढ़ रहे थे। टी बीम अपन ने देख लिया था थोड़ा सा। अब अपन देख रहे हैं कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ ए टी बीम और एल बीम। मान लो कोई टी बीम है, कोई एल बीम है, तो उसका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आप कैसे निकालने वाले। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लो जैसे मैंने ये आपको डायग्राम्स मिली है, जैसे टी बीम्स आपको दिखा रखी है मैंने। मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये इसके साथ में ये इसका फ्लैंज है, ये इसका फ्लैंज है आपका टी बीम का। अब मैं जब इसके ऊपर लोड्स लगा रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ लोड लगाया, यहाँ लोड लगाया, यहां में लोड लग, एक लिमिट के बाद में मानो मैंने यहां तक लोड्स लगाया, इसके बाद ये बीम अगर ऐसे डिफ्लेक्ट होने लग जाए आपका, जिस जहां जिसके बाद में ये बीम आपका डिफ्लेक्शन लेने लग जाए, या ये कहो कि ये बीम एक तरह से टी से अलग तरह से जो है बिहेव करने लग जाए, तो वो आपका कहलाता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज की। कितनी जो फ्लैंज की जो विड्थ है वो आपका टी के साथ में जो है आपका टी बीम के साथ आने वाली है। तो अपन ने ये देखा दो तरह के टी बीम्स के बारे में। मैं बात करता हूं आपसे मोनोलिथिक टी बीम और आइसोलेटेड टी बीम, दोनों का फर्क क्या है। मोनोलिथिक टी बीम का मतलब ऐसी टी बीम जो स्लैब के साथ ही कास्ट की गई हो, मतलब आपका जब स्लैब डला उसी के साथ आपकी बीम कास्ट की गई है। नाम से पता लग रहा है मोनोलिथिक या मोनोलिथिकली, मतलब आपका स्लैब के साथ उसको कास्ट किया गया। इस तरह की जो बीम है वो मोनोलिथिक टी बीम कहलाती है। आइसोलेटेड टी बीम क्या होगी आपकी, वो कहता है ऐसी टी बीम जो अलग से जो इंडिविजुअली कास्ट की गई है, जिसको स्लैब के साथ कास्ट नहीं किया गया है। तो मैंने यहां ये दिखाया कि जैसे हर बीम को मैं देखता हूं, क्योंकि आपका इसमें अगर आप देखोगे तो जो एंड्स की जो बीम होंगी, फर्स्ट और लास्ट जो बीम होंगी, वो आपका एल शेप की होंगी, इसलिए उन्हें एल बीम्स के नाम से मैंने डिनोट किया हुआ है। और जो बीम्स आपका बीच में जो बीम्स है आपका, ये आपका टी बीम किस तरह होगी, तो इसलिए इन्हें मैंने टी बीम के नाम से दिखाया हुआ। तो मुझे पता लगा कि मैंने एक बीम का फिगर देखा या बीम का एक क्रॉस सेक्शन देखा जिसमें फर्स्ट और लास्ट जो बीम है वो एल बीम की तरह होगी और ये एक टी बीम। अब अपन ने देखा कि इस बीम के ऊपर अगर मैं देखना चाहूं तो इस बीम के साथ में इतना स्पान आपका इसके साथ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया, ये दो बीम से इसमें मान लो मैं कहता हूं 4 मीटर है, तो 4 में से माना जाएगा कि 2 मीटर स्पान इसके साथ रहेगा और 2 मीटर स्पान उसके साथ रहने वाला। ऐसे मान लो मैं आप इधर कहता कि मान लो 6 मीटर स्पान है, तो मैं मानूंगा कि 3 मीटर जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, बाकी 3 मीटर इसके साथ काम करने वाला है। तो मतलब अपन ये देख लिया कि अगर वास्तव में निकालना देखना चाहूंगी कितना पार्ट इसका फ्लैंज की तरह इसके साथ रिएक्ट करेगा, फ्लैंज की तरह होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि B1 प्लस BW प्लस क्या है B2। तो आप वास्तव में देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि इतना पार्ट इसके साथ जो है रिएक्ट करना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। अब अपन देख रहे हैं कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मान लो ये 4 मीटर है, अब ये देखता हूं कि ये वास्तव में क्या 4 मीटर किसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आइए 456/2000 में आपको रिकमेंडेशन दे दिया कि भाई टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आप इससे निकालने वाले हैं, क्योंकि किसके बराबर होगा, L0/6, L0 बोल सकते हैं, L0/6 प्लस 6 dm प्लस BW। ऐसे ये टी बीम्स के लिए हो गए, ये टी बीम ऐसे ही कहता है कि अगर एल बीम्स के लिए मैं देखना चाहूं तो ये कहता है विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर होगा L0/12, एक तरह से 1/2 हो गया इसका, तो L0/12 इसका भी 1/2 करेंगे, 3 dm प्लस BW, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ दोनों साइड के पोर्शन थे, इसके साथ एक ही तरफ का है आपका, तो इसमें एक तरह से जो आपका टी बीम्स के लिए याद कैसे रखा जाए, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, केवल BW को छोड़ दो, क्योंकि BW इसका भी है, इसका भी आपका, तो यहां जैसे L0/6 को डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, L0/12, 6 dm को डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, 3 df प्लस BW के बराबर आपकी हो जाएगी। ये इसकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज को डिनोट करती है। अब ये कहता है कि वेयर एल नॉट क्या है, ये कह रहा है यहां पर जो ये, क्योंकि मुझे पता है df क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। अब जब मोनोलिथिकली
जो टीबी में, तो इसकी जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है आपका, जो स्लैब की डेप्थ होगी आपकी, जो कौन सी डेप्थ होगी आपकी, स्लैब की डेप्थ होगी वही डीएफ के बराबर होगा। मैं कहता हूं स्लैब 200 एमएम डेप्थ की है तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी मैं 200 ही लूंगा। मुझे पता है डीएफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज या डेप्थ ऑफ स्लैब के बराबर होगी, बीडब्ल्यू विड्थ ऑफ वेव के बराबर होगी, L0 क्या है डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट पॉइंट और पॉइंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर। ये कह रहा है कि टी बीम्स में जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की दूरी। अब जीरो मूवमेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, पॉइंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, तो उनके बीच की दूरी। तो कैसे भी इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट पॉइंट बोल लो या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चुरल, क्योंकि जीरो मूवमेंट पॉइंट ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चुरल आपके कहलाते हैं। अब ये आईएस 456 फिर आपको नॉट डाल के बोलता है कि फॉर कंटिन्यूस बीम, ये कंटिन्यूस बीम्स के लिए अगर मैं बात करता हूं, एल नॉट टेकन 0.7 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव स्पान। ये कह रहा है अगर आप कंटिन्यूस बीम की बात कर रहे हो तो एल नॉट जो है आपका इफेक्टिव स्पान का 0.7 टाइम्स आपका लिया जाता है। ये आपसे पूछता रहता है कि इफेक्टिव विड्थ बजाए बताए मुझे कि भाई टी बीम के लिए कितना होगा, और मोनोलिथिकल लिए मतलब ऐसी टी बीम जो स्लैब के साथ कास्ट की गई, तो आप बोलोगे एल नॉट अपॉन 6 प्लस सीडीए प्लस बीडब्ल्यू। वो कहता है कि मुझे बताइए टी एल बीम के लिए बताइए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लो दोनों को, एल नॉट अपॉन 12 प्लस 3DF प्लस BW के बराबर आपका हो जाएगा, और L0 क्या है वो आपने यहां मेंशन। अभी कहता है आइसोलेटेड टीबी, ये कहता है अब कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने इसे सॉल्व किया, और ये वैल्यू अगर निकल कर आ गई, मान लो मैं कहता कि 5200 निकल के आ गई, जबकि मैं देख रहा हूं ये मान लो मैं आपसे कहता कि ये मान लो 300 और ये मान लो 1500 और ये मान लो आपका जो है 2000, तो आप देखते 1500 और 300 1800 और ये आपका 2000 38 हो गए, जबकि यहां तो 5200 आ रहा, फिर आप 5200 नहीं लेंगे, फिर आप इसी के बराबर लेने वाले। पर इन जनरली क्या होता है, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और ये वैल्यू हमेशा छोटी निकल कर आती है, इसलिए इसे चेक कराने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा ही वो कहता है कि इसके बराबर आप ले लेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक तरह से अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं कि ये जो वैल्यू है लेस देन होनी चाहिए किससे, B1 प्लस BW प्लस B2 से ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब मैं आगे बात कर रहा था आपसे आइसोलेटेड टी बीम्स के लिए, ये कह रहा आइसोलेटेड टी बीम ऐसी टी बीम जिसमें जो अलग से कास्ट की गई है, जो स्लैब के साथ कास्ट नहीं की गई होती है। अगर इसकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए बात करेंगे, अगर टी बीम के लिए मैं देखूंगा तो बी बराबर एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस बी प्लस 4, यहां बी क्या है जो उसकी विड्थ ऑफ जो है उसकी फ्लैंज को दिखा रहा है, लेकिन ये देखना है कि इफेक्टिवली कितना पार्ट काम कर रहा है आपका, मतलब एक तरह से हो सकता है ये वैल्यू आपको ये निकालने, आपको वास्तव में कितना पार्ट उसके साथ एक्शन में आने वाला है। तो ये बी एफ बराबर कैसे निकल रहा है, एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस बी, ये बी है प्लस 4 प्लस बीडब्ल्यू, और ये कहता है कि फॉर एल बीम, एल बीम्स के लिए आप कैसे निकालने वाले हैं, तो ये कहता है विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर एक तरह से इसमें वही 1/2 कर दिया, 1/2 करेंगे तो 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस बी प्लस 4 प्लस बीडब्ल्यू के बराबर आपका हो जाता है। ये मैंने देख लिया कि टी बीम्स की इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज में कैसे कैलकुलेट करता हूं, जो अक्सर आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे डिजाइन ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम। देखो पहले अपन ने जो है सिंगली रिइंफोर्समेंट जो है रेक्टेंगल बीम अपन ने पढ़ लिया था। डबली रिइंफोर्समेंट बीम का मतलब क्या है कि टेंशन जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी आपको सरिया लगाना पड़ रहा है, मतलब दोनों जोन में आपको सरिया प्रोवाइड करना है। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ा, सबसे पहले तो भाई जब मैंने आपसे कह दिया था, मैं तो फर्स्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि भाई कंक्रीट जो है स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में और वीक इन टेंशन होती है, तो टेंशन में मेरे को सरिया लगाने की जरूरत थी, कंप्रेशन तो कंक्रीट खूब ले लेगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार इतने हैवी लोड्स आ जाते हैं कि जब आप अगर उसको उस लोड को या उस मूवमेंट को अगर आप कंक्रीट के सेक्शन से
ही रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कंक्रीट का बहुत बड़ा सेक्शन आपका बनता है। अब मान लो हो सकता है कहीं ऐसी बीम्स बढ़ रही है उस मूवमेंट को लेने के लिए कि उसकी जो है 800 mm विड्थ है और 2 मीटर गहराई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बीम में बढ़ाऊंगा तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, या हो सकता है उतना साइज ही अवेलेबल नहीं हो आपका उस बीम को बढ़ाने के लिए। तो फिर उस कंडीशन में अपन टेंशन जोन के साथ साथ कहां पर कंप्रेशन जोन में भी सरिया प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका कंप्रेशन में भी सरिया लगा दे। तो मैंने ये देखा, मैं पहले बीम के बारे में पढ़ चुका हूं, मैंने देख रखा था कि ऑलरेडी जो बीम की ओवरऑल डेप्थ क्या होती है आपकी डी होती है, बीम की ओवरऑल विड्थ क्या होती है आपकी जो है बी होती है, टॉप से और सरिये के सेंटर तक इफेक्टिव डेप्थ होती है। मैंने देखा सरिया में दोनों तरफ कवर छोड़ के लगाता हूं तो जो है आपका जो है इफेक्टिव कवर इधर से भी डी डैश होगा और उधर से भी आपका डी डैश आपका होने वाला है। पहली बात तो मैंने ये देख लिया कि मुझे क्यों जो है डबली रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती, मोमेंट्स या लोड्स इतने ज्यादा हैं कि अगर कंक्रीट के सेक्शन से उसको रजिस्ट कराना चाह रहे हो तो बहुत बड़ा आपको सेक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी या हमारे पास साइज की प्रॉब्लम्स थी, तो मैं सिंगली की जगह डबली बीम प्रिफेयर करता हूं। फिर उसने आपसे ये कहा कि जब मैं डबली रिइंफोर्समेंट बीम बढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी अनइकोनॉमिकल होती है, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। क्यों अनइकोनॉमिकल होती है? क्योंकि ये कहता है कि जो कंप्रेशन जोन का सरिया है ना वो पूरा जो है कंप्रेस नहीं हो पाता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक। क्योंकि मैंने देखा कि कोई एक मैं बार ले रहा हूँ, ये कोई एक सरिया लिया मैंने, अब मैं इसको खींच रहा हूँ, टेंशन कर रहा हूँ, फोर्स लगा के मैं टेंस कर रहा हूँ, तो इसके पास खींचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट तक खींचेगा और उसके बाद ये फेल हो जाएगा। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसी बार को कंप्रेशन में लेट देखना चाहता, कंप्रेशन में मान लो मैं इसके ऊपर कंप्रेस कर रहा था, मान लो ये टेंशन हो सकता है 100 kN लोड ले रहा है, जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो इसके पास कुछ ऑप्शन है, ये इस तरह से हल्का सा क्या कर सकता है बैंड हो सकता है, क्योंकि जब आप उसको दबा रहे तो वो बैंड हो सकता है, तो हो सकता है ये 100 की जगह 80 पर ही फेल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि भाई आपका ये 100 ले नहीं पा रहा, इसकी कैपेसिटी तो 100 थी लेकिन 100 से पहले ही 80 पर क्या हो गया बकलिंग हो गया। तो मैंने देखा कि मान लो मुझे अगर मैं कहता हूं कि मेरे को 500 kN या मैं कह रहा हूं 400 kN लोड मेरे को रजिस्टर कराना है, अगर मेरा सरिया कंप्रेशन में फुल लेता तो मैंने देखा 100 ले रहा है मान लो, तो 400 को रजिस्टर कर लेते, लेकिन मैं तो ये मान रहा हूं तो 80 पे फेल हो जाता है, तो कहता है कि अब आपको 400 को रजिस्टर करने के लिए कितने सरिये लगाने पड़ेंगे, 4 की जगह 5 क्योंकि 8×40 400 को लेने के लिए 5 सरिये लगाने पड़ेंगे, तो एक तरह से एक सरिये आपका क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये आपसे कई बार कहता है कि मुझे बताइएगा कि डबली बीम अनइकोनॉमिकल क्यों होती है, तो आप बोल देंगे क्योंकि डबली बीम अंडर जो है कंप्रेस्ड रह जाती है या वो उसकी मैक्सिमम जो डबली रिइंफोर्समेंट का जो आपका कंप्रेशन जोन का सरिया है वो अंडर कंप्रेस्ड रह जाता है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है। तो ये मैंने कुछ डबली अब ये कहता है आगे मैंने देखा कि भाई मुझे चाहिए मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, भाई मूवमेंट कितना ये रजिस्टर कर सकता है, मुझे पता है कि MU बराबर मैंने सिगली में पढ़ा था M पढ़ा था मैंने कि भाई फोर्स इनटू लीवर आर, फोर्स इनटू क्या पढ़ा था लीवर, लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं कि यहां कंप्रेशन में तो दो चीजें फोर्स को रजिस्टर कर रही है उस लोड को, एक तो कंप्रेशन जोन का सरिया और ये कंप्रेशन जोन की क्या है कंक्रीट, तो पहली बात तो मुझे ये पता लग गया कि कंप्रेशन जोन में दो फोर्सेज होंगे आपके, पहला फोर्स मैंने देखो देख ही लिया जो कंक्रीट के कारण था, ये अपन सिंगली में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, C1 बराबर 0.36 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स के बराबर आपका होगा जो सिंगली में भी होता है। अब ये कहां एक्ट करेगा कंक्रीट की सेंट्रोइड पर एक्ट करेगा, जो भी मैं सिंगली में निकाल चुका हूं कितना नीचे एक्ट करेगा 0.416x या मैं कहूं कि 0.42x नीचे ये लगा होता है। इसकी मैंने लीवर आर्म दिखा दी, देखो इसकी लीवर आर्म मैं ऑलरेडी जानता ही हूं ना, इसकी लीवर आर्म तो भाई Z1 बराबर कितनी हो जाएगी
डी माइनस पॉइंट बयालीस एक्स, क्योंकि ये मेरा टोटल मेरा डी था, ये मेरा पॉइंट फोर वन सिक्स है, इसमें से इसको डी में से इसको घटा दिया, ये तो ऑलरेडी मैं सिग्नल में निकाल। अब मैं देखना चाहता हूँ डब्ल्यू में, अब डब्ल्यू में मुझे पता है कि डब्ल्यू में जो सरिया लगा हुआ है, कंप्रेशन जोन में जो सरिया लगा हुआ है उसका जो सीजी है, सरिये का सीजी डेफिनेटली कहाँ होगा, सरिये के सेंटर पर होगा। तो दूसरा जो फोर्स आपका लगा होगा, मैंने देखा यहां इसको जो यहां जो फोर्स लगा होगा, एक तरह से सी टू जो फोर्स लगा होगा वो किसके बराबर होगा, देखो सिग्मा एस सी ए सी पॉइंट सत्यासी सिग्मा सी सी एसी। अभी बेसिकली वैल्यूज कहां से आई, वैसे तो मैंने पढ़ा हुआ है भाई, टेंशन मैंने पढ़ा हुआ है कि जो सी है ना भाई सरिये का, तो पॉइंट सत्यासी सिग्मा वाई होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां तो मैंने पॉइंट सत्यासी तो लिखा ही नहीं, यहां तो मैं लिखा सिग्मा एस सी। सिग्मा एस सी का मतलब ये कह रहा है भाई ये टेंशन के बराबर तो फोर्स लेगा नहीं, ये सिग्मा एस सी फोर्स लेगा। अब सिग्मा एस सी जो फोर्स है वो कुछ टेबल्स दे रखे हैं, डी डैश अपॉन डी के रेशो से अपन को निकालने थे, जो यहाँ सब्जेक्टिव में नहीं आएगा आपका आपका, तो ये सिग्मा एस सी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट सत्ताईस सिग्मा वाई इंटू एस टी पढ़ा था ना भाई, ये तो ये एरिया ऑफ स्टील टेंशन था, यहाँ एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, कंप्रेशन आपका हो जाएगा। ये बात समझ गए ना, यहाँ सिग्मा एस सी पॉइंट सत्ताईस सिग्मा वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके बराबर नहीं लेगा, इसे क्या लेगा, कम लेगा, जो मैं टेबल से कैलकुलेट करके उसको निकालता हूं। अब लेकिन मैंने तो देखा कि मैं तो ये कह रहा हूं ठीक है फोर्स आपका आ गया, कितना ही याद रहना चाहिए था ना, ये क्यों किया आपने, ये क्यों घटाया आपने माइनस सिग्मा एस सी एस सी। अब आप ये देख रहे हैं कि कंप्रेशन जोन का जो मैंने ये फोर्स इनटू लीवर जो है फोर्स निकाला था, लेकिन ये कह रहा भाई ये जब फोर्स निकाला था आपने तो इस कंक्रीट को इधर जो है सॉलिड माना था, लेकिन जब मैंने यहाँ सरिया प्रोवाइड कर दिया है, जब मैंने सरिया यहाँ लगा दिया तो डेफिनेटली यहाँ सरिये की जगह कंक्रीट क्या हो जाएगी आपकी, हट जाएगी, तो उतना फोर्स कंक्रीट नहीं लेगी, तो वो पार्ट मैंने आपका डिलीट कर दिया। तो एक तरह से अब किसके बराबर होगा, कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेस, कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेस सिग्मा एस सी, मुझे बताइए सिग्मा एस सी कितना होगा आपका 0.446 सिग्मा सी के इनटू एसी। अब ये एसी क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो कंक्रीट हटेगी वो एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन के बराबर ही तो हटेगी भाई, क्योंकि आपको तो स्ट्रेस इनटू एरिया ही तो करना था, जितनी कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेस इनटू जितना कंक्रीट का एरिया हटा सरिये के कारण, तो कंक्रीट का सरिया के एरिया कितना हटा, जितना सरिये का एरिया लगाया था, एसी इनटू सिग्मा एसी। तो मैंने दोनों में से एसी को बाहर निकाल लिया, तो ये सिग्मा एसी माइनस सिग्मा सीसी आपका आ गया। अब ये कहां लगा था, यहां टॉप से डी डैश नीचे लग रहा था, इसकी लीवर आर्म देखना चाहूं मैं तो इसका लीवर आर्म जो है आपका, आपने देख लिया कि जेड टू बराबर कितना हो जाएगा भाई, मुझे पता है ये टोटल डी है, इसमें से ये जो आपका इफेक्टिव पावर घटा दो तो जेड टू बराबर डी माइनस डी डैश आपका हो जाएगा। तो मैं यहां तक आ गया कि मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम किसके बराबर होगी, सी वन इंटू जेड वन सी टू इंटू जेड टू, मतलब सी वन क्या है कॉन्क्रीट के द्वारा रजिस्ट किया जा सकने वाला फोर्स इंटू उसकी लीवर आर्म, स्टील के द्वारा रजिस्ट किया जाने वाला फोर्स कंप्रेशन और उसकी लीवर आर्म। तो अपन देखा कि कॉन्क्रीट के द्वारा ये फोर्स रजिस्ट किया जा रहा था, ये उसकी लीवर आर्म, स्टील के द्वारा ये फोर्स रजिस्ट किया जा रहा था इंटू ये उसकी लीवर आर्म। तो मैंने मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपका देख लिया। अब कई बार आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, ये कहता है कि जब आपने यहां पर सरिया लगाया, आपने कंप्रेशन जोन में सरिया लगाया, तो ये कहता है कंप्रेशन जोन में सरिये के लेवल पर जहां सरिया प्रोवाइड किया है वहां बताइए कि स्ट्रेन आपका कितना होगा, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स पढ़े थे ना, यहाँ जीरो होती है थी, जहां पर आपका रेक्टेंगल, जहां से ये रेक्टेंगल जैसे यहाँ पॉइंट डबल जीरो टू होती थी और आउटर पर जाकर पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव हो जाती थी। अब ये पॉइंट जहां सरिया लगाया ना तो यहाँ पे और ना यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पर है, तो ये कहता है मैंने ये मान लिया कि भाई ईएससी स्ट्रेन आ रही है, मतलब ईएससी आपका कि जो स्ट्रेस इन स्टील कंप्रेसर जोन के लेवल पर जो है। तो आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सुपर वाले ट्रायंगल पोर्शन को देख लिया एक तरह से, आपने देखा पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव था, यहां मैंने ईएससी एप्साइलन एससी ले लिया इसको, तो आप ये देख रहे हैं ये आपकी जो डिस्टेंस है टोटल, ये जो डिस्टेंस है आपका एक्स यू है, ये मेरा डी डैश था और ये मेरा जो है क्या है
एक्स यू माइनस डी डैश है, तो दोनों ट्राइंगल्स में मैंने देखा आधार बटे उसकी हाइट, मतलब एक्स यू, ये एक्स यू अपॉन उसकी एक्स यू अपॉन 0.0035 बराबर क्या है आपका, यहां से ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एक्स यू डी डैश अपॉन ई एस सी। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी जो वैल्यू है वो ये निकल कर आपकी आती है कि एप्सिलॉन एस सी बराबर 0.0035 वन माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू आपका निकल के आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार इनको ये पूछता रहता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ रहे हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बेसिक्स ऑफ सिविल बुक जो है आप अमेजन से खरीद लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें फिर आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स में नहीं बता पाते वो सारी चीजें आपको इस बुक्स के अंदर मिल जाएंगी।